कि उसका ना जब तक दवाई का असर रह रहा तब तक ठीक है, जैसे दवाई का असर खत्म हुआ ऐसे तबीयत खराब। क्या हो गया ये देखो ये कैसे कर रहा है, वो पैकेट खत्म हो गया, झूठ मत बोलना, जीरा डालने में था। ले वाओ डाली डाली फूल, डाली डाली फूल, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है वेनसडे और हनी आज स्कूल गया है, तबीयत ठीक थी सुबह के टाइम पे। ये है कि उसका ना जब तक दवाई का असर रह रहा तब तक ठीक है, जैसे दवाई का असर खत्म हुआ ऐसे तबीयत खराब। क्या हो गया ये देखो ये कैसे कर रहा है, क्या चाहिए क्या चाहिए बताओ इसको ना। मैंने यहाँ पे गाने लगा के रखे हैं लेकिन ये तब भी मेरे पीछे पीछे जाएगा, सो नहीं रहा था। मैंने कहा ना ही सोए अच्छा है यार, स्कूल लेके कौन जा रहा है इसको, और लग नहीं रहा मुझे स्कूल के तक ये उठा रहेगा। बट ये है कि अक्षत व्हाट आर यू डूइंग, और अभी जस्ट मैं नहा के जस्ट तो नहीं नहाई हूँ, 10-20 मिनट करीब हो गए होंगे, बाल भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, धूप में बैठी थी। और अभी मैं अंदर आई हूँ चाय पीने के लिए, तो चाय मैंने पी ली है। इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है क्या बताऊँ यार आजकल, मतलब ऐसा हो रहा है कि नहाना मतलब सर दर्द हो जा रहा है। और आजकल ना मेरे फेस पे दाने हो गए, ये देखो छोटे छोटे से दाने हो गए, पता नहीं क्यों फेस पे बहुत दाने हो गए हैं। और हमारे यहाँ पे तो धूप 1 बजे करीब आएगी, मतलब उससे पहले धूप तो आएगी नहीं, तो उधर पर मैं सेक रही थी, अब उनका भी बच्चा बाहर पर आएगा तो इसलिए मैं इधर आ गई। और अभी जाएंगे हम सीढ़ियों में, धूप नहीं आई थी अदरवाइज हम सीढ़ियों में चले जाते। कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं, देखती हूँ अगर अक्षत सोएगा, सो जाएगा तो अक्षत को भी नहला के स्कूल लेके जाऊँगी और मशीन लगा दूँगी, और अगर अक्षत नहीं सोएगा तो मशीन में सो जाएगा, बाद में सोएगा है ना, बाद में सोएगा तो अक्षत को सुला के स्कूल से आके अक्षत को नहला के फिर मशीन लगाऊँगी। बर्तन अभी नहीं धुले हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है, बर्तनों की ढेर लगी पड़ी है। और ये देखो मैं सोच जितना जैसे तैसे अक्षत थोड़ी देर ऐसे रह लेता, 1 घंटा और है, 12 बजे तक रह लेता ना तो फिर ठीक था, फिर तो ये है कि स्कूल जाते टाइम सो जाता ही। और आज मैंने ना एक कोट पहन लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी, और मैंने कहा कब निकालना है इनको भी, बाहर निकाल देते इनको भी दर्शन दिखा देते हैं ना। तो चलिए फटाफट से बर्तन धोती हूँ जब तक अक्षत, ये देखो इन्हें भी बिजी है। हनी को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ मैं, और अभी मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था। और पहले तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, साथ ही मैं बना रही हूँ चैसा क्योंकि हनी कह रहा है मम्मी हमेशा ना दाने वाली दाल मत बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज चैसा बनाती हूँ। चैसा है बेटा वो, उसको नहीं उसको नहीं, वो बुल्ला के लिए, रहने दो बाबा थोड़ा सा तो रखो बुल्ला के लिए, नहीं नहीं एक नहीं दो नहीं, वो खा लेंगे, वो पैकेट ख़त्म हो गया, झूठ मत बोलना, जीरा डालने में था। ले मन भर जाएगा लेकिन नियत नहीं भरेगी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा चिप्स रखा हुआ था ना तो उसको भी मांग रहा है वो, और यही होता है भाई बहनों में क्या बोलो है ना। जैसा मैंने ठीक हुआ सुबह पीस लिया था क्योंकि अभी लाइट नहीं है, और मैंने आज अक्षत को भी नहलाना था, अंधेरा आ रहा अक्षत को भी नहलाना था, बट क्या करें लाइट ही नहीं है अभी तो, अभी तो वो सोया है आज, वो इस टाइम पर सोया था और मैं स्कूल लेके नहीं गई इसलिए मैं फटाफट से आ गई थी स्कूल से, और अभी वो सोया है तो लाइट आ जाती ना तब तक मेरा खाना भी बन जाता, और फिर धूप भी आ गई थी अच्छी वाली तो मैं उसको नहला देती, बट पता नहीं क्या हो गया यार इस लाइट ने तो इतना सर दर्द किया हुआ है ना यहाँ पे कि लाइट ने बहुत ज़्यादा सर दर्द,
लाइट तो सेकंड सेकंड में लाइट जा रही है, क्या बोले क्या बोले, है ना। तो ये डाल दिया है मैंने चैंसा और इसको भूनते हैं अच्छे से। इसीलिए ना मैंने सुबह याद करके चैंसा को पीस दिया था, क्योंकि अगर पीसती नहीं तो अभी मुझे ना लाइट का इंतज़ार करना पड़ता, जब लाइट आती तब मैं चैंसा पीसती और उसके बाद मेरा खाना बनता। तो तेल में इसको अच्छे से पका देंगे, बहुत ही टेस्टी होता फिर अच्छे से। अगर हम हल्का भूनेंगे ना तो कच्चा कच्चा सा अजीब कच्चा कच्चा सा स्मेल भी आती है और टेस्ट भी उसका अजीब सा होता है। और हमी को ना ये चैंसा भी काफ़ी पसंद आता है, इसलिए लगा था मम्मी दाने वाली दाल मत बनाओ आज, तो मैंने सोचा इसको बनाती हूँ। और टमाटर मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं। और आज मैंने ना ये चैंसा को थोड़ा सा दरदरा टाइप का पीसा है, देखो बिल्कुल मतलब आटे की तरह नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर। तो चलो फटाफट से बना देती हूँ चैंसा। तो यहाँ पे मैं अक्षत को बाहर धूप पे नहलाने के लिए लेके आई हूँ और टाइम 1:30 बज चुका है, ये उठा और उसके बाद मैं इसको नहलाने के लिए लेके आ गई थी। और यहाँ पे हनी वीडियो बना रहा है और कैमरा आप देख सकते हो कितनी जगह हिल रहा है, कह रहा था कि मम्मी मैं इधर उधर भी दिखा रहा हूँ, मैंने कहा दिखा ले। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में आप देखना कुछ बोलने पे लगा पड़ा है, तो मैं तो बच्चे सो चुके हैं, खाना वगैरह होके खा के, अभी बच्चे सो चुके हैं, 4:30 हो गया है। और मैं अभी कपड़े कुपड़े उठाने आई थी क्योंकि धूप भी ऑलमोस्ट जाने वाली है, तो कुछ कपड़े ये देखो उठा के यहाँ पे रख दिए हैं मैंने, कुछ अभी भारी हैं जो गीले हैं। तो बस मैंने सोचा मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ और मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, सर दर्द सा हो गया सुबह से, सुबह मैं नहाई थी ना अंदर ही रही बच्चे के साथ तो ठंडा सा हो गया, और काजल देखो पूरी फैल गई है, तो मुझे ना थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा, अजीब सा लग रहा है। तो बच्चे तो सो गए हैं दोनों के दोनों, तो मैं सोचूं मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो चलिए फिर मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।